सो हाई एवरी वन एंड वेलकम टू फिजिकम अकेडमी। आई होप ऑल यू डूइंग गुड। तो आज जो है मेरे बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इस लास्ट वीक के अंदर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं ताकि आप IIT JEE के पेपर को क्रैक कर सकें। आई एम श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो 2023 के बच्चे हैं, 24 के बच्चे हैं, वो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इस चैनल के अंदर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन दिस। तो अगर बात करें JEE 22 की, तो लास्ट के हफ्ते में आप क्या कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम क्या कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या अभी हो सकता है, वो नहीं। मैक्सिमम जिससे आप स्कोर कर सकते हैं वो पॉइंट बताऊंगा। देखो आखिरी के हफ्ते में आप सबसे पहला काम ये कर सकते हो कि फिजिक्स के जितने फॉर्मूले हैं A से लेकर Z तक, जितने फॉर्मूले हैं, मतलब जितनी यूनिट है सबके सब फॉर्मूले एटलीस्ट रट दो। जिसके माइंड में सारे फॉर्मूले मुंह पे होंगे, याद आएंगे एकदम से, वो क्वेश्चंस को मैक्सिमम जो है अटेम्प्ट कर सकता है। तो A to Z पहले तो सारे फॉर्मूले रटो। दूसरा पॉइंट, डेली आज के डेली जो है क्वेश्चंस करो। कौन से क्वेश्चन करो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से करो। 2015 से लेकर 2021 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। पेपर दो, 15 का दो, 16 का दो, 17 का दो, 18 का दो, 19 का दो, 20 का दो, 21 का दो, ये सारे पेपर दो और देखो क्या आप 50 प्लस स्कोर कर पा रहे हो। चाहे पहले तुमने किए हैं पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करने के बाद, ऐसा नहीं कि देखा टिक किया आगे बढ़े, नो, सॉल्व करने के बाद क्या आप 50 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं, तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आपके पास अनअकैडमी के ऊपर जो है लगभग 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो डेली, चाहे हर संडे को मॉक टेस्ट हुआ था तो वो रिकॉर्डेड तो पड़े ही है, तो हर संडे का मॉक टेस्ट दो। ठीक है, एक दूसरी आईडी से फ्री जो मॉक टेस्ट है उनको कम से कम डेली दो। दूसरी आईडी से लॉगिन करो, फ्री के जो मॉक टेस्ट है भाई मेरे, है ना, जो भी आपकी आईडी है वहाँ पे जाओ, फ्री के मॉक टेस्ट दो हमेशा। ध्यान रखो कि 6, 7, 8 अगर मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, इतने मॉक टेस्ट तुमने दे दिए, तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ जादुई नहीं करना है कि कोई सोनपरी आएगी तुम्हें, है ना, डंडा घुमाएगी और तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको खुद से करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करो। 6 दिन भी अगर तुम A to Z सारे फॉर्मूले पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। डेली PYQ करोगे, कंसेप्ट याद हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे मॉक टेस्ट दोगे, कंसेप्ट याद हो जाएंगे। इन दो चीज़ों के अंदर जो कंसेप्ट होंगे वही एग्जाम में आने वाला है। 2022 में कुछ नया सा एलियन कोई पेपर नहीं बनाने वाला है, तो ये 2015 से लेके 21 तक के जितने कंसेप्ट हैं वही तो रिपीट होंगे, तो कंसेप्ट आपके रिपीट हो रहे होंगे। तो इतना तुम लास्ट टाइम में कर सकते हो, इससे अपने स्कोर को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन करो, चाहे नेट है, चाहे MSQ है, चाहे MCQ है, सारे करो 2015 से लेके 21 तक के। कुछ ज़्यादा बर्डन मत लो, फॉर्मूला रटो, बस कूल रहो, आराम से क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार होते रहो डेली। 6 दिन अभी भी बचे, 6 दिन में सारे फॉर्मूले रटे जा सकते हैं। डेली रटो, आज रटा कल रटो परसों नरसों, और ये दो काम डेली करते रहो। एक पेपर फुल लेंथ दो, मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ दो, मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ दो, मॉक टेस्ट, एक दिन में दो पेपर दो और A to Z फॉर्मूले रटो। 2 घंटे में ये पेपर पूरा करो, 2 घंटे में ये पेपर करो, 4 घंटा, 1 घंटा मॉक टेस्ट, 1 घंटा फॉर्मूला रटो सारे, या 2 घंटे रटो। 6 घंटे की पढ़ाई बहुत है, 6 दिन 6 घंटे, 6 जगह 36 घंटे, 36 से लेकर 40 घंटे की पढ़ाई में आप अभी भी अपने IIT JEE के स्कोर को, जो बच्चे 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं वो 50 प्लस जा सकते हैं, जो 50 से प्लस आ रहे हैं ऑलरेडी वो 70 प्लस 60 प्लस आ सकते हो, जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन दिस लास्ट। तो 2-3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसी चैनल के ऊपर कि कैसे आपको IIT JEE का 2022 का पेपर अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से फिर आप CU CET के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से इसको शेयर कर लो सारे लोगों के साथ ताकि हम और चीज़ें डिस्कस कर सकें। और साथ ही साथ आपको जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, PhysiCAM Academy करके टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए PhysiCAM Academy। तो जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, जैसे ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू।